संत पीर फकीर हमेशा हर किसी को खुश रखते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। उनकी जिंदगी का मकसद सबका भला करना, सबको अच्छा करना और सबके लिए प्रार्थना विनती दुआ करना है। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उन्हें हाथों हाथ रिजल्ट आते हैं, जो दृढ़ यकीन नहीं रखते उनके लिए समय लग जाता है। तो दृढ़ यकीन होना जरूरी है, दृढ़ यकीन लाजमी है। रूहानियत में जब तक गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन नहीं है तो आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं। तो गुरु के तहत राम का नाम जप और आपका दृढ़ यकीन नहीं है तो यार राम का नाम जपूंगा क्या मिल जाएगा, क्यों टाइम बर्बाद करूं, क्या फायदा है, कई बार जप के देख लिया। यानी आप ये सोचते हैं रोटी की तरह तवे पे डालिए तो भूल के बाहर आए, जी नहीं, ये रोटी नहीं है, ये परमात्मा है। मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप अपने मुट्ठी में लेके ऐसे लिया और ऐसे खोला तो क्या वहां गेहूं की पूरा पौधा बन जाएगा, उस पर बलियां छलियां लटकने लगेंगी? सरसों को ऐसे हाथ में लिया तो क्या वो पौधा बन के फलियों से भर जाएगा? गाड़ी का एक कोई भी छोटा सा पीस लिया हाथ में तो ऐसे खोली क्या गाड़ी बन जाएगी? फिल्मों में कुछ हो सकता है लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उसके लिए समय चाहिए, मेहनत चाहिए। बीज धरती में जाएगा, बीज नमी में जाएगा तभी फलेगा तभी फूलेगा। गाड़ी के लिए लोग डिजाइन करते हैं, कंप्यूटर है कुछ भी है तो टाइम तो लगता है फिर वो बनती है। उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए सुमरण करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, तभी उसके दर्श दीदार होंगे और तभी आपको खुशियां मिलेंगी। पर यह होगा तभी जब दृढ़ यकीन है। पीर फकीर ने गुरु मंत्र कलमा नाम दिया, आपको दृढ़ यकीन आया कि हां गुरु जी कह रहे हैं तो सच ही होगा। और जैसे ये सच ही होगा या फिर 100% सच है कह के आप लग गए तो यकीनन 100% सच जरूर होके रहेगा।